जमशेदपुर से यहां पर पुलिस ने लाखों रुपए के जाली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से 500, 100 और 50 रुपए के जाली नोट पकड़े गए, साथ ही कई तरह के सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट स्कैन करने वाले स्कैनिंग मशीन, लैपटॉप भी बरामद किया गया है। बड़ी और अहम खबर जमशेदपुर से, आरोपी युवक मानगो के गुलाब बाग स्थित घर पर असली पैसे को स्कैन कर नकली नोट बनाने का काम करता था। आरोपी ने नोट बनाने के लिए यूट्यूब वीडियो का भी सहारा लिया था। शहर में करीब एक महीने से नकली नोटों का धंधा वो कर रहा था। इसके लिए आरोपी ज्यादातर सब्जी विक्रेता और फुटपाथी दुकानदारों में के पास जाकर पैसे देता था, चलाता था। तो सर्टिफिकेट स्कैनिंग मशीन, लैपटॉप उसके पास से मिले हैं। मानगो थाना क्षेत्र का यह मामला है। कि कुछ डाउट हो रहा है, इन जोनों के बीच में जो बाताबाती होने लगी, तो उसमें हम लोग को पुलिस के जवान का जो जा रहे थे उनको पता चला। तो जैसे ही जाके पूछताछ करने हो तो बगल में गए, तो जो अभियुक्त है उनके द्वारा वो जो करेंसी नोट है उसको तुरंत फाड़ के नीचे गिरा दिया, तो संदिग्ध और ज़्यादा हो गया। तो फिर उनको हम लोग थाना लेके आके पूछताछ किए। पूछताछ के उपरांत उनके जो अपना गुलाब बाग है फेज टू, उसी में घर में जाके अपने पुलिस टीम ने छापामारी की, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है बहुत सारा नकली करेंसी मिला है, 500 का, 100 का और 50 रुपया का। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारा सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का किसी का नाम से, बहुत लोगों के नाम से जो है मार्क सर्टिफिकेट है, और किसी का जो है स्कूल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है, कॉलेज कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है, किसी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाया गया है, इवन इंक्लूडिंग मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाया गया है। और यूपी से, बिहार से कुछ लोगों का जो है पासपोर्ट का भी काफ़ी इनके पास नकली वाला। तो 500, 100 और 50 के कई जाली नोट बरामद किए गए हैं इस युवक के पास से। और ये युवक आमतौर पे छोटे दुकानदारों के पास या सब्जी विक्रेताओं के पास ही इन नोटों को देता था और छोटे नोट ही रखता था। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज का, जो इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर आई है? क्या ये युवक अकेले ही सब कुछ करता था या फिर इनका एक गिरोह हुआ करता था? जब ये देखा जाए तो जिस तरह से पुलिस बता रही है कि ये अकेले ही इस तरह का काम करता था, पुलिस ने ये भी बताया कि जिस तरह से लॉकडाउन में ये इसका माली हालत हो गया, इसके बाद इसका दिमाग में ये चीज आया कि जाली नोट का काम करते हैं और उससे कमाई जो होगा उससे घर परिवार चलाते हैं, तो ये चीज ये सोचकर ये कारोबार करने लगा। पिछले एक डेढ़ महीने से ये काम कर रहा था और पुलिस की हालांकि नजर नहीं थी, हालांकि और ये जितने भी जाली के जो भी नोट बनाता था वो अपने घर में बनाता था। स्कैनर मशीन है, स्कैनर मशीन के जरिए ओरिजिनल जो नोट है उसको स्कैन करके ये जाली नोट का पैगाम करता था। काफी मतलब कि हूबहू और काफी बारीकी से बनाता था, आपको देखने में नहीं लगेगा कि वो नकली नोट है, असली जैसा ही नोट है। और उस नोट को ले जाकर वैसे दुकानदार को के पास वो अपना नोट चलाता था, जहाँ पर सब्जी विक्रेता हुआ, ठेले कुंचे हुए वाले हुए, उनके पास वो अक्सर जाकर वो नोट को भंजा जाता था। और जो कागज इस्तेमाल होता था वो कागज कहाँ से उसके पास आता था जिस कागज पर वो ये नकली नोट बनाता था? देखिए, जो भी ये नोट है, जो भी कागज है, वो आपका जो मार्केट में जो कागज मिलता है उसी को ये जाली नोट बनाता था। उसी जो पेपर आते हैं उसी पेपर के जरिए वो पूरा सावधानी और काफी हूबहू उस तरह का स्कैनर मशीन पर खड़ा के यूट्यूब को देख देख कर काम करता था। और उस पता नहीं चल पाता था कि आखिर ये असली है या नकली है, लेकिन देखा जाए तो जो ऐसे जगह में जाकर वो मतलब कि पैसे को भेजाता था जहाँ पर सब्जी विक्रेता और ठेले कुंचे वाले जिनके पास थोड़ी जानकारी कम हो और थोड़े शक वो कम करे। और साथ ही मनोज ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक वो कुल कितने के नोट जो जाली नोट है उसको मार्केट में खपा चुका है, क्या जानकारी उसने दी कुछ ऐसी? देखिए, पुलिस जिस तरह से बताई है कि करीब करीब 40 से 50 हजार रुपये अभी तक मार्केट में उसने खपाया है और करीब 1 से 1.5 लाख रुपये वो उसने बनाकर अभी रखा ही था और उसे मतलब कि भंजाने वाला था। तब तक जो कल एक व्यक्ति जो सब्जी विक्रेता है उसके पास किया तो उसको शक हुआ, तो उसने मतलब कि पुलिस को सूचना दिया, तब जाकर उसका पुलिस उसको पकड़ा और उसको जब उसने उससे पूछताछ किया तब उसने बताया कि वो हाँ ये काम करता है और वो अपना घर पे ही इस तरह का काम करता है। इसमें उसके साथ कोई और लोग नहीं है, अकेला वो काम करता था।
तो ये कह सकते हैं कि ये पूरी टीम नहीं रहकर अकेला ये व्यक्ति इस तरह के काम करता था, जिसको पुलिस ने कल शाम को रात में ही दबोचा था और फिलहाल उसे पकड़ के जेल भेज दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इस खबर पर जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से करीब करीब 35 से 40 हजार रुपए वो जो नकली नोट हैं वो खपा चुका था मार्केट में, लेकिन इससे पहले कि बहुत ज्यादा इन नोटों को मार्केट में डालता खपाता उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस की ओर से।